नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, यूपीपीसीएस प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन 2012 से लेकर 2019 के दौरान मॉडर्न हिस्ट्री से जो प्रश्न पूछे गए हैं उन्हें हम एक क्रम से देख रहे हैं। तो ये इस सीरीज का मेरा दूसरा लेक्चर है जिसमें मैं आपसे बात करूंगा 2015 से लेकर 2019 तक के पेपर में जो मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनके बारे में। इस सीरीज के पहले पार्ट में मैंने आपसे बात किया है 2012 से लेकर 2014 तक के दौरान जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके बारे में। तो अभी तक अगर आपने उस लेक्चर को नहीं देखा है तो आप इस चैनल पर जाकर के उस लेक्चर को देख लीजिए ताकि हम एक क्रम से चल सकें। हमने इस लेक्चर को इस प्रकार से डिजाइन किया है कि प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आए हैं उन्हें वर्ष के अनुसार न देख करके सब्जेक्ट के अनुसार देखने का हम प्रयास कर रहे हैं ताकि हम एक क्रम से चलें। तो इन वर्षों में यानी 12 से लेकर 19 तक यानी 8 वर्षों में जितने प्रश्न मॉडर्न हिस्ट्री से बने हैं उन्हें हम एक ही जगह देख रहे हैं। ठीक है, इस लेक्चर की शुरुआत करूं उससे पहले मैं दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि हमने यूपीपीसीएस प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन 2020 के लिए एक डिटेल टेस्ट सीरीज बनाई है और उस टेस्ट सीरीज को आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे मोबाइल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके जिसका नाम है डिकोड एग्जाम, डिकोड एग्जाम प्ले स्टोर पर आप लिखेंगे आपको हमारा ऐप दिख जाएगा, उसे डाउनलोड कर लेना है, साइनअप करना है। साइनअप करने के बाद आप होम पेज पे आ जाएंगे, होम पेज पे टेस्ट का सेक्शन है उस पर क्लिक करेंगे तो वहां पर आपको जो है अटेम्प्ट टेस्ट और ज्वाइन नाउ का बटन दिख जाएगा। तो अटेम्प्ट टेस्ट पर जब आप क्लिक करेंगे तो एक डेमो टेस्ट जो है हमने फ्री में रखा है, आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आपको पता चल जाएगा हमारा ऐप किस प्रकार से काम करता है। साथ ही आपको वहां पे हम पीडीएफ भी एक देखने को मिलेगी, तो आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे तो गुणवत्ता आप जो है देख सकते हैं कि टेस्ट की गुणवत्ता कैसी है। साथ ही पीडीएफ का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा तो वहां पर भी जा करके आप देख सकते हैं। अगर कोई परेशानी कोई असुविधा इस पूरी प्रक्रिया में आपको आती हो तो एक नंबर आप नोट कर लें 9506742546, उस पर हमें व्हाट्सअप करें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो 2014 तक के कुल 49 क्वेश्चंस को हम देख चुके हैं तो अब हम जो है 50 से शुरू करेंगे। 2015 के क्वेश्चन अब शुरू हो रहे हैं। ठीक है, चलिए एक बात और है कि 2015 में दो बार एग्जाम हो गया था। ठीक है, तो कंफ्यूज उसके लिए मत होइएगा, एक पेपर जो है धांधली में चला गया था तो दो बार पेपर हुआ। ठीक है, तो पहला प्रश्न, मुगल सम्राट जहांगीर ने निम्न में से किसे इंग्लिश खान की उपाधि दी थी। मुगल सम्राट जहांगीर ने निम्न में से किसे इंग्लिश खान की उपाधि दी थी। आपको अगर ध्यान हो तो यह प्रश्न पहले भी पूछा गया था और मैंने डिटेल में आपको बताया था कि ये जो विलियम हॉकिंस था इसी से काफी प्रभावित होकर के जहांगीर ने इसे इंग्लिश खान या फिरंगी खान की उपाधि दी थी। इसे जो है तुर्की और फारसी भाषा बहुत अच्छे से आता था, इसे जहांगीर ने 400 रुपए का मनसब भी दिया था, हालांकि व्यापार करने का अधिकार जहांगीर ने इसे नहीं दिया था। अगला, सोमेंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का क्या नाम है। यह मुश्किल प्रश्न है, भारतीय बोल्शेविक दल, क्रांतिकारी साम्यवादी दल, बोल्शेविक लेनिनिस्ट दल और अतिवादी लोकतांत्रिक दल। निश्चित रूप से ये एक मुश्किल प्रश्न होने वाला है क्योंकि इस बारे में ज्यादा हम लोग जो है पढ़ते नहीं है। तो इसका उत्तर होगा बी, क्रांतिकारी साम्यवादी दल, और ये 1942 में बना था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला, निम्न में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्षा चुना। ठीक है, कलकत्ता अधिवेशन 1917, गया अधिवेशन 1922, इलाहाबाद अधिवेशन 1921, लखनऊ अधिवेशन 1916, काफी फेमस है ये और निश्चित रूप से इसका उत्तर है ए, कलकत्ता अधिवेशन 1917 और वो महिला अध्यक्षा थी एनी बेसेंट,
एनी बेसेंट वो महिला अध्यक्षा थी। आगे बढ़ते हैं, लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? ए बी सी डी, जिनत महल, नाना साहेब, हजरत महल और तात्या टोपे। बहुत बार पूछा गया प्रश्न है और इसका उत्तर है सी, हजरत महल अपने अल्प वयस्क पुत्र बिरजिस कादिर को अवध का नवाब घोषित करके हजरत महल ने तलवार उठा ली। तो हजरत महल 53 का सी। अगला, लोकहितवादी उपनाम से किसे जाना जाता था? गोपाल हरि देशमुख, महादेव, गोविंद रानाडे, ज्योतिबा फुले, बाल गंगाधर तिलक। तो लोकहितवादी थे गोपाल हरि देशमुख। वीडियो लंबा हो जाता है इसलिए मैं समय आपको नहीं दे रहा हूं, तो जैसे ही प्रश्न आपको दिखे, स्पष्ट दिख रहा है, आप भी पढ़िए और कमेंट में उत्तर तुरंत ही लिख दिया करिए, ठीक है? तो 54 का ए, गोपाल हरि देशमुख। 55, कामागाटा मारू क्या था? बहुत बार पूछा गया सवाल, कामा माटा गारू क्या था? औद्योगिक केंद्र, एक बंदरगाह, एक जहाज, सेना की एक टुकड़ी, ए बी सी डी। तो इसका उत्तर है ए, ये एक जहाज था जो कलकत्ता से ब्रिटिश कोलंबिया यानी कि कनाडा जा रहा था, जिसे पंजाबी कनाडा कहते हैं, वहां जा रहा था। इसमें सिख सवार थे, ये एक जापानी जहाज था, लेकिन वहां पर दक्षिण पूर्व एशिया के आव्रजन नीति पे काम कर रही थी ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश कोलंबिया इसीलिए कहते थे, ब्रिटिशों का कब्जा था वहां पे, उन्होंने किसी को भी जहाज से उतरने नहीं दिया। और ये जो घटना है ये राष्ट्रीय आंदोलन में इसलिए महत्वपूर्ण है कि यहां से फिर सिखों को ये लगा कि ये जो ब्रिटिश सरकार है ये किसी की सगी नहीं है, क्योंकि ब्रिटिश सरकार की बहुत मदद सिखों ने की थी 1857 की क्रांति को दबाने में, और उन्हें लगता था कि ब्रिटिश सरकार हमारी मित्र है। लेकिन इस घटना के बाद काफी जो है ये अस्पष्टता हो गई कि ब्रिटिश केवल और केवल एक चीज के मित्र हैं और वो अपने स्वार्थ के, और वो किसी के मित्र नहीं है। गदर आंदोलन जो हुआ उसमें जो है भी ये महत्वपूर्ण घटना के रूप में जिक्र हुआ लोगों को ये समझाने में कि ब्रिटिशों का असली चेहरा क्या है, तुम लोग देख लो। आगे बढ़ते हैं, 56, 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया गया था सर पैथिक लॉरेंस द्वारा, लॉर्ड लिन लिथको द्वारा, तो ये तो वायसराय था भारत का पहले, लॉर्ड बावेल द्वारा, ये भी वायसराय, और सर जॉन साइमन, तो ये तो साइमन रिपोर्ट वाले साइमन। तो इन ऑप्शन में अगर हम देखें तो सर पैथिक लॉरेंस का ही नाम बचता है, तो 56 का हमारा उत्तर होगा ए, 56 का हमारा उत्तर होगा ए। आगे बढ़ते हैं, 1924 को बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन निम्न में से किसके विरुद्ध था? अब ये भी थोड़ा कठिन प्रश्न हो जाएगा क्योंकि इस तरह जो है हम लोग नहीं पढ़े हैं इन सब चीजों के बारे में, ठीक है? मंदिरों में भ्रष्टाचार, हिंसा, राजनीतिक नेताओं की गिरफ्तारी और सांप्रदायिकता। तो ये जो आंदोलन था जिसे तारकेश्वर आंदोलन कहा गया, ये मंदिरों में भ्रष्टाचार को लेकर के प्रारंभ किया गया था विश्वनंद स्वामी जी के द्वारा और सी आर दास के द्वारा। अगला, 58, वर्ष 1929 में जारी किए गए दीपावली घोषणा पत्र का संबंध था, दीपावली घोषणा पत्र का संबंध था सांप्रदायिक समस्या से, डोमिनियन स्टेटस से, श्रमिक नेताओं से, अस्पृश्यता से। तो इसका उत्तर क्या होगा, ए बी सी डी। तो इसका उत्तर है डोमिनियन स्टेटस से, बी। आगे बढ़ते हैं, 59, गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया? चर्चिल ने, एटली ने, माउंटबेटन ने, साइमन ने, ए बी सी डी। तो वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा था माउंट बेटन ने गांधी जी को, तब
कि जब बड़े पैमाने पर पुलिस लगाने के बाद भी दंगा नहीं रुक रहा था, वैसे समय गांधी जी नोआखली में गए और उन्होंने दंगे को रुकवा दिया। तो ये इसलिए जो है इनको कहा गया। अब 2015 के प्रश्न समाप्त हुए। प्रश्न 2015 में कुछ कठिन प्रकार के भी थे और कम भी थे। अब 2016 के प्रश्नों को हम देखते हैं, ठीक है। सर टॉमस मुनरो किन वर्षों में मद्रास के गवर्नर रहे हैं? ए बी सी डी। सर टॉमस मुनरो को हम याद करते हैं रैयत वारी व्यवस्था के लिए। रैयत वारी जो भूमि कर की व्यवस्था थी उसके लिए हम सर टॉमस मुनरो को याद करते हैं, लेकिन यहां पर पूछा जा रहा है कि ये किस समय में थे। तो इसका उत्तर है ये ए 1820 से लेकर के 1827 तक, ठीक है। अगला, पश्चिमी भारत के डीके कार्वे का नाम निम्नलिखित में से किस संदर्भ में आता है? सती प्रथा, बाल हत्या, स्त्री शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह। ए बी सी डी। तो देखिए, सती प्रथा तो बहुत पहले ही हो गया था, शिशु हत्या का भी मामला। स्त्री शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह के लिए इन्हें जाना जाता है। स्त्री शिक्षा की बात करें तो 1916 में पुणे में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना इनके द्वारा की गई थी और ये विधवा पुनर्विवाह से भी जुड़े थे। तो इसका उत्तर होगा सी और डी, आयोग ने भी यही माना था। आगे बढ़ते हैं। 62, सूची एक को सूची दो के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट के उपयोग से सही उत्तर चुनिए। सूची एक युद्ध, सूची दो संधि। अब यहां हम दिमाग लगाएंगे तो अब अगर हम देखें तो बहुत सारी सूचनाओं की इसमें आवश्यकता है, लेकिन अगर हमारे पास एक सूचना हो, केवल प्रथम कर्नाटक युद्ध के बाद कौन सी सूचना हो, तो हम इसका हल निकाल सकते हैं। चलिए देखिए, तो प्रथम कर्नाटक युद्ध अगर हमें पता है कि ए का 4 है तो हम उत्तर देखते हैं। तो केवल सी में ए का 4 है, न ये इसमें है, न इसमें है, न इसमें है। तो अगर हम देख लें कि हमारे पास अगर केवल एक सूचना हो कि प्रथम कर्नाटक युद्ध के बाद एक्स ला चेपल की संधि हुई थी, तो हम इसका उत्तर जान लेंगे। 63, खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता निम्नलिखित में से कौन थे? मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली, मोहम्मद अली जिन्ना और शौकत अली, मौलाना अबुल कलाम आजाद और रफी अहमद किदवई, रफी अहमद किदवई और शौकत अली। तो इसका उत्तर है मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली। तो 63 का उत्तर है ए, इन्होंने ही खिलाफत आंदोलन को जो है शुरू किया था। अगला, देवबंद आंदोलन यूपी संयुक्त प्रांत में किस वर्ष में प्रारंभ हुआ? 1888, 1885, 1866। तो इसका उत्तर है डी 1866। तो 64 का उत्तर है डी 1866। आगे बढ़ते हैं। 65, मोतीलाल नेहरू और सी आर दास द्वारा 1923 में गठित पार्टी का नाम क्या था? इंडिपेंडेंस पार्टी, गदर पार्टी, स्वराज पार्टी, इंडियन नेशनल पार्टी। तो इसका नाम था स्वराज पार्टी और इसका पूरा नाम था असहयोग खिलाफत स्वराज पार्टी। जब असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया महात्मा गांधी जी के द्वारा, तो कांग्रेस के अंदर दो विचारधाराएं एक साथ दिखी। एक विचारधारा ये थी कि विधान परिषदों के चुनाव लड़ो, विधान परिषदों में घुसो और विधान परिषदों में घुस करके सरकार पर दबाव बनाओ। दूसरी विचारधारा ये थी कि ब्रिटिश व्यवस्था से हमें दूर रहना है, हमें विधान परिषदों के चुनाव में भाग नहीं लेना है और हमें क्या करना है, जो गांधी जी ने हमें रचनात्मक काम बताए हैं उन्हें ही हमें करना है। तो क्या करना, सूत काटना है, चरखा चलाना है, अस्पृश्यता का अंत करना है, मदिरा का निषेध करना है, आदि आदि जो मौलिक काम है, रचनात्मक काम है, उसे हम करेंगे। तो
जो लोग ये कहे उन्हें नो चेंजर कहा गया, और जो लोग ये कहे कि विधान परिषदों में घुसेंगे उन्हें प्रो चेंजर कहा गया। तो ये लोग जो है मोतीलाल नेहरू, सीआर दास वगैरह, ये प्रो चेंजर के नेता थे और इन्हीं लोगों ने स्वराज पार्टी की स्थापना की। आगे, लॉर्ड डलहौजी की बिला नीति का प्रथम शिकार निम्नलिखित में से कौन हुआ था? झांसी, सतारा, करौली, संबलपुर, ए बी सी डी। तो इसका उत्तर है बी, सतारा। ठीक है, जब थर्ड एंग्लो मराठा वार में 1817-1818 के दौरान पेशवा के राज्य को छीन लिया गया और पेशवा को बिठूर में अंग्रेजों ने पेंशनर अपना बता दिया, तब जो सतारा था एक राज्य था उस पे जो है छत्रपति शिवाजी महाराज के एक वंशज को गद्दी पर बैठाया गया। तो सबसे पहले जो है सतारा को ही लॉर्ड डलहौजी के द्वारा जो है जब्त किया गया और उसके बाद फिर संभलपुर आदि। ये जो राज्यों को हड़प रहा था डलहौजी, ये एक बड़ा कारण था 1857 की क्रांति में। आगे बढ़ते हैं, 67, अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का क्या नाम था? लाल कुर्ती, क्विट इंडिया, खिलाफत, उपयुक्त में से कोई नहीं, ए बी सी डी। तो बहुत प्रोमिनेंट लीडर खान अब्दुल गफ्फार खान, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के बुलंद नेता, जिन्हें फ्रंटियर गांधी यानी सीमांत गांधी कहा जाता था, उन्होंने एक संगठन बनाया जिसे रेड शर्ट्स कहा जाता था, क्योंकि ये लोग लाल कुर्ती पहनते थे, रेड शर्ट ये लोग पहनते थे, और इस संगठन का नाम था खुदाई खितमत गार, यानी सर्वेंट ऑफ गार्ड, खुदा के सेवक। तो लाल कुर्ती रेड शर्ट जो है आंदोलन का नाम था अंग्रेजों के विरुद्ध जो शुरू किया, गफ्फार द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का नाम ये था रेड, खुदाई खितमत गार, इन्हें रेड शर्ट्स के नाम से भी बुलाया जाता था। तो 67 का उत्तर होगा ए। अगला, निम्नलिखित में किसके विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड का परित्याग कर दिया था? आप देख लीजिए, सीधे सीधे ये प्रश्न जो है रिपीट कर रहा है, सीधे सीधे रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो रोलेट एक्ट, जलियांवाला बाग जनसंहार, साइमन कमीशन, क्रिप्स मिशन। तो इसका उत्तर है बी, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि को क्या किया था? उसको जो है लौटा दिया था ब्रिटिश सरकार को। आगे बढ़ते हैं, तो ये 2016 का प्रश्न समाप्त हो गया। ठीक है, अब आ गए हम 2017 पर। पहला प्रश्न 2017 का, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? हेक्टर मुनरो बक्सर का युद्ध, लॉर्ड हेस्टिंग आंग्ल नेपाल युद्ध, लॉर्ड बेलेजली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, और लॉर्ड कार्नवालिस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। हेक्टर मुनरो बड़ा मेहनत से, हिम्मत से लड़ा बक्सर, और इसने जो है पूर्वी भारत को ब्रिटिश ताज के कदमों में ला करके खड़ा कर दिया अपने वीरता के बल पर। लास्ट लॉर्ड हेस्टिंग के समय आंग्ल नेपाल युद्ध, लॉर्ड बेलेजली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय था, और कहा जाता है कि इसने ही ये निश्चित किया था कि इस बार टीपू सुल्तान से कोई समझौता नहीं होगा, टीपू सुल्तान की हत्या करनी है, और कर दी गई। तो ये लॉर्ड कार्नवालिस जो था वो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय नहीं था, ये तो बहुत पहले ही था, और यहीं पर गाजीपुर में ही इसकी मृत्यु भारत में ही हो गई, इसकी कब्र भी वहीं पर बनी हुई है। तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय लॉर्ड कार्नवालिस नहीं था। ठीक है, ये 1817 और 18 में हुआ था, इस समय लॉर्ड हेस्टिंग था भारत का गवर्नर जनरल। अगला, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? पावना विद्रोह, दक्कन किसान विद्रोह, सन्यासी विद्रोह, और कोल विद्रोह। तो देखिए, हमें और कुछ तो नहीं पता है कि कौन सा विद्रोह कब हुआ, सुमेलित है या नहीं है, लेकिन सन्यासी विद्रोह काफी फेमस है, और हम ये जानते हैं कि सन्यासी विद्रोह 1763 से 74 तक के बीच में रुक रुक करके चलता रहा, तो 1894 में तो वो नहीं था। तो सुमेलित कौन नहीं है? तो वो 70
का सी सुमेलित नहीं है, सन्यासी विद्रोह सुमेलित नहीं है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 1826 के जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, महादेव गोविंद रानाडे और राज नारायण बसु। ए बी सी डी में से उत्तर होगा बी, राजा राम मोहन राय। अगला, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए? नागपट्टनम, चीनसूरा, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद, पटना और उपरोक्त सभी। तो जैसा कि मैंने आपसे बताया कि यूपी पीसीएस के पेपर में अगर 10 सवालों में ये लिखा है उपरोक्त सभी, तो अगर आप ऐसे ही मार दें उपरोक्त सभी, तो 10 में से 8 सही हो जाते हैं, ऐसी चर्चा है। और उसका एग्जाम्पल आप यहां देखिए, उपरोक्त सभी, ठीक है, इन सभी जगहों पर डचों ने अपने कारखाने स्थापित किए। आगे बढ़ते हैं, स्वतंत्रता पूर्व भारत में निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था? एम ए जिन्ना, मौलाना अबुल कलाम आजाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रो चेंजर्स ने क्या बनाया, असहयोग, खिलाफत, स्वराज पार्टी, और असहयोग, खिलाफत, स्वराज पार्टी को विधान परिषद के अंदर एम ए जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना ने समर्थन दिया। तो उत्तर 73 का है ए। आगे बढ़ते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत सेवक मंडल यानी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी? 1902, 1903, 1904, 1905, एकदम करीब का जो है ऑप्शंस हैं। तो इसका उत्तर जो है वो है डी, 1905। तो गोपाल कृष्ण गोखले प्रमुख नरमपंथी नेता और 1905 के कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन के अध्यक्ष और भारत सेवक मंडल यानी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक और महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु ये थे। हालांकि महात्मा गांधी ने कभी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की सदस्यता ग्रहण नहीं की थी, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो इतने फैक्ट हमने इस प्रश्न में देखे, तो इसका उत्तर है डी। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस वर्ष बंगाल के मिदनापुर जिले में जातिया सरकार की स्थापना हुई थी? 1939, 1940, 1941, 1942। तो अगर राष्ट्रीय आंदोलन को आपने ठीक से पढ़ा है तो एक चीज आपको पता है कि जो 1942 से पूर्व आंदोलन हुए उसमें किसी एक इलाके पर भारतीयों द्वारा अधिकार करके ब्रिटिश राज को समाप्त करके अपना शासन नहीं शुरू किया गया था किसी भी आंदोलन में। लेकिन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान एक उत्तर प्रदेश के बलिया में सरकार बनी थी, एक महाराष्ट्र में सरकार बनी थी, एक पश्चिम बंगाल में सरकार बनी थी। तो निश्चित रूप से अगर इतनी सूचना हमारे पास है कि 1942 के आंदोलन में ही अलग अलग जगहों पर सरकारें बनी थी, तो आप इसका उत्तर दे पाएंगे कि यह साल था 1942। तो 75 का उत्तर है डी, जातीय सरकार 1942 में बनी थी। अब यहीं पे प्रश्न पूछ रहा हूं कि ये जो सरकारें अलग अलग जगह पर देश के बनी हुई थी, स्थानीय लोगों ने जिनको बनाया था, उसमें कौन सी सरकार सबसे अधिक समय तक संचालित रही? अगला, किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगति है परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ असंगत ही है? बहुत अच्छा स्टेटमेंट। वॉरेन हेस्टिंग, जीबी मैकाले, लॉर्ड क्लाइव, हेनरी डुड्डास।
ए बी सी डी, तो ये बात कहा था जीबी मैकाले ने, जीबी मैकाले ने ये बात कही थी कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है। अब ये प्रश्न हम लोग छोड़ दिए थे, इसे भी देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस केस की समस्त संसार में चर्चा हुई और अभियुक्तों के समर्थन में अल्बर्ट आइंस्टाइन, एजी वेल्स, हेराल्ड लास्की तथा रूजवेल्ट ने सहानुभूतिपूर्ण टिप्पणियां की? INA मुकदमा, लाहौर षड्यंत्र मुकदमा, मेरठ षड्यंत्र मुकदमा, उपयुक्त में से कोई नहीं, ए बी सी डी। तो इसका उत्तर है मेरठ षड्यंत्र मुकदमा। मेरठ षड्यंत्र मुकदमा 1929 से 1933 के दौरान ये चला और इसमें 25 साम्यवादी नेताओं पर आरोप तय किए गए थे, जिसमें से 3 नेता जो है अंग्रेज भी थे। तो 77 हमने देख लिया, अब आ गए 78 पे। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए घटनाओं को कालानुक्रम से निर्दिष्ट कीजिए। रालेक्ट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा किसान आंदोलन, अहमदाबाद मिल हड़ताल। अब इसको क्रैक करने का हम लोग जो है प्रयास करते हैं। देखिए, इसमें एक बात तो ये है कि चंपारण सबसे पहले हुआ है, ये निश्चित रूप से हमको जानना पड़ेगा। ठीक है, तो चंपारण सबसे पहले हुआ है और हम कहाँ फंस सकते हैं इस सवाल में? खेड़ा किसान और अहमदाबाद मिल में से कौन पहले दूसरे नंबर पे हुआ, इसी में हम फंस सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया कि रालेक्ट जो एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह है, ये सबसे बाद में हुआ होगा, इतना तो हम दिमाग लगा सकते हैं, और चंपारण सत्याग्रह सबसे पहले हुआ होगा। ठीक, हुआ था, मतलब इन दोनों के हिसाब से हम अनुमान लगा रहे हैं। तो अगर हम ये मानते हैं कि चंपारण सबसे पहले हुआ था, तो ये ऑप्शन कट गया और ये ऑप्शन कट गया, है ना? हमारे पास क्या बचा, ए और सी। तो जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, 4 से भले 2, हमने 2 कर दिया इसको, या तो उत्तर ये होगा या तो उत्तर सी होगा। अब एक बात ये है कि हमें इन्हीं दोनों के टाइमिंग की वजह से हम नहीं जान पा रहे, हम ये नहीं जान पा रहे हैं कि पहले खेड़ा हुआ कि पहले अहमदाबाद हुआ। तो अगर हम कंफ्यूज हैं, तो अब हम ये देखें कि रालेट तो सबसे बाद में हुआ, इसके विरुद्ध सत्याग्रह, तो ये जो 1 होगा ये सबसे लास्ट में होगा। तो अगर 1 को सबसे लास्ट में हम देखें, 2 पहले से ही कट गया है और इसमें 1 लास्ट में नहीं है, तो सी भी कट गया, हमारा उत्तर आ गया ए। इस प्रकार से दिमाग लगा करके चीजें, क्योंकि इसमें क्या होता है कि इसमें इन्हीं का क्रम पूछा जा रहा है, तो चंपारण चूंकि सबसे पहले हुआ है तो दिमाग में रहता है, लेकिन क्रम कहां गड़बड़ होता है, खेड़ा और अहमदाबाद में, इसीलिए प्रश्न भी पूछा गया। तो इसका उत्तर ए है, 78 का ए। आगे बढ़ते हैं, ये 17 का भी पेपर हमने समाप्त कर दिया, आगे बढ़ते हैं 18 में। अगला, निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है, एक तरफ स्थान दूसरी तरफ नेतृत्व? संभलपुर सुरेंद्र शाही, गंजाम राधाकृष्ण दंड सेना, कश्मीर गुलाब सिंह, लखनऊ लिकायत अली। तो बार बार हमने बात किया कि लखनऊ में विद्रोह की कमान अपने पुत्र बिरजिस कादिर को अवध का नवाब घोषित करके बेगम हजरत महल ने संभाली थी, तो सुमेलित नहीं है डी, यानी 79 का हमारा उत्तर होगा डी। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो एग्जामिनर ये जानना चाहता है कि औरंगजेब के बाद जो उत्तरवर्ती मुगल शासक हुए, उनका नाम आपको याद है कि नहीं। तो ये चेकिंग हो रही है यहाँ। तो ए मोहम्मद शाह, बी जहांदार शाह, सी आलमगीर सेकंड और डी अहमद शाह। तो इन्हें क्या करना है, कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो औरंगजेब की जब मृत्यु हुई, तो उसका पुत्र बहादुर शाह अपने 3 भाइयों को मौत के घाट उतार करके गद्दी पे बैठा और 12 तक बैठा ही रहा।
उसके बाद जहांदार शाह मुगलों के तख्त पर बैठा अपने एक वजीर जुल्फिकार अली की मदद से, जुल्फिकार खान के मदद से, और ये केवल एक साल गद्दी पे बैठा रहा, 13 तक। उसके बाद सैयद बंधुओं की मदद से फरुख सियर, जिसे इतिहास में घृणित कायर कहा गया, वो 1713 में मुगलों की गद्दी पर बैठा, और जिसने की बीईआईसी यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में मुक्त व्यापार का अधिकार पत्र सौंपा। तो फरुख सियर 1719 में हत्या उसकी भी कर दी गई सैयद बंधुओं के द्वारा। उसके बाद सैयद बंधुओं ने रफी उद्दौला और रफीत उद्दरजात नामक दो युवाओं को बहुत जल्दी जल्दी गद्दी पर बैठाया, ठीक है। और उसके बाद जो है मोहम्मद शाह गद्दी पर जो है मुगलों के बैठा। तो ये क्रम होगा, ये जहांदार शाह तो पहले ही हो गया, ठीक है, तो ये तो सबसे पहले होगा, उसके बाद मोहम्मद शाह, उसके बाद अहमद शाह, उसके बाद आलमगीर सेकंड, ठीक है। तो इसका उत्तर होगा बी, 80 का उत्तर होगा बी, ये तो बहादुर शाह के बाद ही बैठ गया, ठीक है। तो इसमें भी अगर आप देखेंगे कि केवल आपको ये पता हो, इन तीनों के क्रम को नहीं आप जानते हैं, लेकिन आप केवल ये जानते हैं कि बहादुर शाह के बाद जहांदार शाह आ गया था, यानी 1712-13 में ही जहांदार शाह आ गया था। तो अगर जहांदार शाह आपको पता है कि बी पहला होगा, तो आप देख लीजिए, आप इसको क्रैक कर चुके हैं, सब में बी पहले में नहीं है, केवल बी को छोड़ करके। तो आप जान लेंगे जहांदार शाह पहला है, अगर इतना आपने गेस कर लिया तो आप उत्तर के पास पहुंच गए। अगला, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। क्या कथन है? 1946 में मुस्लिम लीग में कैबिनेट मिशन प्लान के लिए दी गई अपनी स्वीकृति वापस ले ली थी मुस्लिम लीग ने, ठीक है। और कारण क्या है? 1946 में गठित अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग शामिल हुई थी। नीचे दिए गए कुटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए तथा कारण आर दोनों सही हैं, तथा कारण आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं है। कथन ए तथा कारण आर दोनों सही है, किंतु कारण आर कथन ए की व्याख्या नहीं है। देखिए, इसका उत्तर होगा बी, समझ लीजिए। 1946 में मुस्लिम लीग कैबिनेट मिशन प्लान के लिए इसने अपनी स्वीकृति पहले दी। मुस्लिम लीग का बड़ा इसी तरह का अजीब रवैया रहा, डिसीजन मेकिंग ही नहीं ठीक से हो पा रही थी, तो पहले तो इन्होंने अपनी स्वीकृति दी फिर वापस ले ली, ठीक है। उसके बाद 1946 में गठित अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग शामिल हुई थी, तो सबसे पहले तो इसने कहा कि हम शामिल नहीं होंगे अंतरिम सरकार में, लेकिन बाद में इसको लगा कि सारी ताकत कांग्रेस के हाथ में चली गई, तो सरकार का विरोध करके नहीं रहना, हमें भी सरकार में शामिल होना है, ठीक है। तो कथन ए तथा कारण आर दोनों सही है, किंतु कारण कथन की व्याख्या नहीं करता है। तो शुरुआत में तो ये शामिल नहीं हुई थी, ठीक है, लेकिन बाद में ये उसमें शामिल हुई थी, तो दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है? संथाल 1855, कोल 1831, खासी 1829, डी अहोम 1815, इसका उत्तर बताएं। इसमें सुमेलित नहीं है अहोम, यह 1828 था, ठीक है। तो 82 का उत्तर हमारा हो जाएगा डी, 82 का उत्तर डी। अगला, निम्न गवर्नर जनरलों में से किसने कांग्रेस का अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली कहकर उपहास किया था? कई बार ये प्रश्न जो है उठा है, और इस गवर्नर जनरल का नाम है लॉर्ड डफरिन, ए इसका उत्तर है लॉर्ड डफरिन। आगे 84, निम्नलिखित घटनाओं को काला क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। हंटर आयोग, सेटलर आयोग, बूट का घोषणा पत्र और सार्जेंट योजना, इसके बारे में बताना है। 84, तो
ये जो बूड का घोषणा पत्र है ये सबसे पहले आया था, ठीक है। अगर ये हमें पता है तो ए चला गया, और सी चला गया, बचा क्या, बी बचा और डी बचा। हंटर कमीशन 1882 था, हंटर कमीशन 1882 था, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर हो जाएगा डी, सी ए बी डी, यानी बूड का घोषणा पत्र, उसके बाद हंटर आयोग, उसके बाद सेडलर आयोग, उसके बाद सार्जेंट योजना। तो सार्जेंट योजना इसमें सबसे नई है, ठीक है, 1944। आगे बढ़ते हैं 85। निम्नलिखित नेताओं में किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की? भगत सिंह, विनायक दामोदर सावरकर, बारिंद्र कुमार घोष और पुलिन बिहारी। तो मित्र मेला नाम का एक संगठन जो है बनाया गया था विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा, और उसी को बाद में अभिनव भारत के रूप में बदल दिया गया। तो इसका उत्तर है बी, विनायक दामोदर सावरकर। तो 85 का उत्तर बी। तो 2018 में जितने प्रश्न पूछे गए थे उनको जो है हमने देख लिया है। अब हम बात करेंगे 2019 के प्रश्नों की। तो इसमें पहले ही सूची आ गई, सूची एक को। अब यहाँ पर एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा, कुछ टेक्निक भी हम इसमें सीखने वाले हैं 2019 के पेपर में। इस तरह टेक्निक से प्रश्न को हल करने की काफ़ी गुंजाइश थी और इसलिए हम उसको देखेंगे। तो सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर चुनिए। सूची एक, सूची दो, इलाहाबाद की संधि, मंगलौर की संधि, सालाबाई की संधि, मद्रास की संधि। इसमें अगर हम देखें तो इलाहाबाद की संधि काफी प्रसिद्ध थी, बार बार बात होती है। बक्सर का युद्ध 1764 में, जिसमें भारत की तीन बड़ी शक्तियां, बंगाल का नवाब, अवध का नवाब और भारत का मुगल बादशाह, तीनों एक साथ हार गए अंग्रेजों से। उसके बाद लॉर्ड क्लाइव आया और 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई। तो अगर ये हमें पता है, क्योंकि ये बहुत फेमस है इलाहाबाद की संधि, तो इसका मतलब है ए का तो फोर होगा। अगर ए का फोर होगा तो ए का फोर हमें दो जगह मिलता है, एक तो ए में मिलता है, एक सी में मिलता है। इसका मतलब बी उत्तर नहीं हो सकता है और डी उत्तर नहीं हो सकता। तो हमने दिमाग लगाकर एक सूचना के भरोसे चार ऑप्शन को बदल करके दो कर दिया, तो चार से भले दो, अब दो में से ही कोई एक सही होना चाहिए। अब दूसरी बात यह है कि मराठा और अंग्रेज संबंध की बात हम करें तो सालाबाई की संधि बहुत फेमस है, जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के बाद हुई थी। और यह संधि अगर हमें पता है कि 1782 में हुई, यानी सॉरी 1782 में हुई, तो हम अब धीरे धीरे सूचना के करीब पहुंच रहे हैं। अगर ये 1782 में हुई सालाबाई की संधि, तो सी का होगा वन, सी का तब होना चाहिए वन, और सी का वन है कहाँ, सी में, तो ये ए भी गया। हम इस उत्तर को क्रैक कर चुके हैं, हम उत्तर पा लिए दो सूचनाओं से, एक इलाहाबाद की संधि से और एक जो है सालाबाई की संधि से। अब इसका अगर हम मिलान कर दें तो बी यानी मंगलौर की संधि का होगा टू और मद्रास की संधि 1769, ये भी बहुत महत्वपूर्ण संधि थी, क्योंकि ये प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद हुई थी और बड़ी मजबूती से हैदर अली ने अंग्रेजों को इस युद्ध में पछाड़ा था। और अंग्रेजों का जो आधार था मद्रास, उसके एकदम करीब पहुंच गया था। कहा जाता है कि ये स्ट्रेटेजिकल एक गलती थी, क्योंकि उस समय अंग्रेज बहुत हतोत्साहित थे और हैदर को चाहिए था कि मद्रास में जो अंग्रेजों का आधार है वहां पर हमला करने का, जबकि ऐसा नहीं हुआ। तो भैया 86 का हमारा उत्तर है सी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। पूना पैक्ट, गांधी इरविन समझौता,
क्रिप्स मिशन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन, गांधी इरविन समझौता और पूना पैक्ट एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, लेकिन क्रिप्स मिशन का हमें पता है कि क्रिप्स मिशन तो बहुत बाद में आया, 1942 में आया। तो अगर ये हमें पता है तो हम क्या करेंगे कि हम ये देखेंगे कि सबसे लास्ट में थ्री कहां कहां पर है, थर्ड कहां कहां पे है, ताकि हम उत्तर की तरफ बढ़े। तो हम ये देख रहे हैं कि बी में तीसरा लास्ट में है, सी में तीसरा लास्ट में है, तो इसका मतलब ये उत्तर नहीं हो सकता और ये उत्तर नहीं हो सकता। तो हमने चार के ऑप्शन को दिमाग लगा के दो कर दिया है। अब बी या सी में से कोई उत्तर होना चाहिए, ठीक है। तो अगर क्रिप्स मिशन सबसे बाद में आया ये हमें पता है और हमने दो ऑप्शन उड़ा दिए, तो हमें एक बात यह है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन ही सबसे पहले हुआ, क्योंकि ये उससे उपजे हुए हैं, गांधी इरविन समझौता, क्योंकि सरकार पे दबाव पड़ रहा था, गोलमेज सम्मेलन बुला चुकी थी सरकार, तो सविनय अवज्ञा सबसे पहले हुआ होगा, ये भी है, ठीक है। तो इसका मतलब ये बी भी चला गया और सी आपका उत्तर आ गया। इसका उत्तर है 86 का सी। तो कैसे हुआ, पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन हुई, ब्रिटिशों पे दबाव बना, वो गोलमेज सम्मेलन बुलाए, सम्मेलन में कांग्रेस ने हिस्सा नहीं लिया, तो गांधी इरविन समझौता हुआ कि सम्मेलन में आप हिस्सा लीजिए। तो पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन, फिर गांधी इरविन समझौता, और उसके बाद गांधी इरविन समझौते के बाद जो है क्या हुआ कि कम्युनल अवार्ड की घोषणा रेमजे मैकडोनाल्ड ने कर दिया, और उसमें कह दिया गया कि दलित भी जो है हिंदू नहीं है, जैसे सिखों को आरक्षण दिया जाता है, जैसे मुसलमानों को आरक्षण दिया जाता है, उसी तरह से इनको देंगे। आरक्षण का मतलब पृथक निर्वाचन, ठीक है। तो इसी पे गांधी जी धरने पे बैठ गए, अंततः अंबेडकर जी और गांधी जी में एक पैक्ट हुआ जिसे पूना पैक्ट के नाम से हम जानते हैं, और क्रिप्स मिशन तो सबसे बाद में आया। तो इसका उत्तर 87 का उत्तर है सी, 87 का उत्तर है सी। अगला, असैनिक प्रशासन 1905 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, लॉर्ड कर्चर ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया, दूसरा पूर्वी बंगाल और आसाम नामक एक नया प्रांत बनाया गया। तो लॉर्ड कर्चर ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया और बंगाल को दो हिस्सों में विभाजित कर दिया गया, पूर्वी बंगाल और आसाम को मिलाकर एक नया प्रांत बनाया गया, ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट जो है सही है, 1 और 2। तो 88 का उत्तर होगा बी। अगला, 89, मुस्लिम लीग एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए CR फार्मूला किसने बनाया था। तो ये बहुत आसान प्रश्न हो जाएगा, क्यों, क्योंकि नाम दे करके ही पूछा जा रहा है, CR फार्मूला, ठीक है। तो जवाहरलाल नेहरू, राजगोपालाचारी, चितरंजन दास, बीपी मेनन, तो उत्तर सीधी सी बात है बी है, सी राजगोपालाचारी ने दिया था। अगला, निम्न घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कुटों में से सही उत्तर चुनिए। बहुत अच्छा प्रश्न था, क्योंकि धारा 370 को हटाया गया था और उसके बाद ये प्रश्न जो है बनाया गया, तो बहुत बढ़िया प्रश्न था, करंट को जोड़ते हुए इसको पूछा गया था। ये पॉलिटी का भी प्रश्न हो सकता है और जो है मॉडर्न हिस्ट्री का भी, हमने मॉडर्न हिस्ट्री में इसे रखा। तो पहला, महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए, दूसरा भारत का संविधान लागू हुआ, जम्मू कश्मीर की प्रभुता संपन्न संविधान सभा ने भारत में विलय को अनुमोदित किया और जम्मू तथा कश्मीर राज्य का नया संविधान लागू हुआ। तो ये किस क्रम से हुआ इसको पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले तो ये हुआ कि जब पाकिस्तानी सेना ने जम्मू कश्मीर राज्य पर आक्रमण कर दिया, जम्मू कश्मीर राज्य को बचाने के लिए महाराजा ने भारत से निवेदन किया कि हमें बचाया जाए, तो जो है 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर इनसे हस्ताक्षर करवाए गए। उसके बाद 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। उसके बहुत बाद जो है फिर वहाँ पर चुनाव हुए जम्मू कश्मीर में विधानसभा के, फिर वहाँ से संविधान सभा निकल के आई, उसने अनुमोदित किया और 1957 में संविधान नया जो है जम्मू कश्मीर का लागू हुआ। तो ये घटनाक्रम जो है 1, 2,
तीन चार इस प्रकार हुए तो सी इसका उत्तर होगा, 1 2 3 4। आगे बढ़ते हैं, नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था, नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया, तो ये बी 1872 में इसे पारित किया गया था। अगला, सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कुटों में से सही उत्तर चुनिए। सूची एक और सूची दो, आंदोलन और वर्ष, पावना 1855-56, एका 1873-85, संथाल 1922 और ताना भगत 1914। तो इसको सुमेलित करना है। अब इसमें से ज्यादा का हमें नहीं पता है, लेकिन संथाल 1855 और 56 है ये हमें पता है, तो सी का 1 होगा ये हमें पता है, और अगर सी का 1 हमें पता है तो हमने उत्तर जो है प्राप्त कर लिया। सी का 1 केवल बी में है तो हमें उत्तर मिल गया। अब देखिए, सच में ये हमें कुछ नहीं पता है, लेकिन हमें केवल संथाल पता है, सी का 1 होगा, और केवल सी का 1 है ये हम जानते थे और हमें हमारा उत्तर मिल गया, क्योंकि सी का 1 कहीं नहीं था, तो 92 का बी हो गया। इससे हमें यह सीखने को मिल रहा है कि कोई भी प्रश्न इस तरह का मैचिंग का जिसमें हमें नहीं भी कुछ आता हो तब भी हमें परेशान नहीं होना है, कि तुरंत घबराना नहीं है, रुक करके प्रश्न को देखना है, पढ़ना है, और जितना आ रहा है हाँ अब वो पक्का आना चाहिए कि नहीं भाई संथाल 1855-56 में हुआ था, ये हम कंफर्म है। तो अगर आप ये कंफर्म है तो आपको उत्तर भी मिल जाएगा, इसलिए घबराना नहीं है, प्रश्नों को पढ़ना है, समझना है, उत्तर तो जरूर निकलेगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, घटना वर्ष, भारतीय जल सेना अधिनियम 1927, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, द्वितीय गोलमेज अधिवेशन 1931 और सांप्रदायिक निर्णय कम्युनल अवार्ड 1933। ठीक है, तो इसमें देखिए केवल कम्युनल अवार्ड को पूछा जा रहा है। कम्युनल अवार्ड रेमजे मैकडोनाल्ड द्वारा दिया गया 1932 में दिया गया, 1933 में नहीं, तो 93 का डी है। अगला, निम्न घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए कुटों में से सही उत्तर चुनिए। तो कालानुक्रम का 2019 में दूसरा प्रश्न है, केवल मॉडर्न हिस्ट्री से ही, साइमन आयोग की नियुक्ति, जलियांवाला बाग हत्याकांड, महात्मा गांधी की डांडी यात्रा और फिरोज शाह मेहता की मृत्यु। ठीक है, तो फिरोज शाह मेहता का नाम बड़ी तेजी से उछल करके आया कांग्रेस के विभाजन के बाद, और ये बहुत पहले सक्रिय थे, तो एक प्रकार से लगता है कि इनका मामला जो है पहले होना चाहिए, या फिर जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड पहले होना चाहिए, तो या तो 4 पहले हो या 2 पहले हो, ऐसे करके दिमाग लगा करके आप चीज़ों को जो है ऑप्शंस को काट सकते हैं, लेकिन पहले हुआ फिरोज शाह मेहता, ठीक है, 1915 में। तो ये अगर आप जानते हैं तो बी सी हट गया, अब ए और डी जो है बचा, तो इसके बाद हुआ जलियांवाला बाग, यानी 2 हुआ, तो इसका उत्तर होगा ए। ठीक है, ए इसका उत्तर है, पहले फिरोज शाह मेहता की मृत्यु हुई, उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, उसके बाद साइमन आयोग की नियुक्ति हुई, और उसके बाद महात्मा गांधी की दांडी यात्रा हुई। अगला, INA के अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया था लाल किला दिल्ली में, ग्वालियर, बहुत आसान प्रश्न, लाल ग्वालियर फोर्ट में, आमेर फोर्ट जयपुर, आगरा फोर्ट। तो ये लाल किला दिल्ली में INA के 3 अधिकारियों पर यह मुकदमा चलाया गया था, शाहनवाज खान जो कि एक मुस्लिम थे, गुरदयाल सिंह ढिल्लो जो कि एक सिख थे, और प्रेम सहगल जो कि एक हिंदू थे। तो अंग्रेजों ने खुले में मुकदमा चलाया और 3 अलग अलग धर्मों के 3 लोगों को जो है सजा देने के लिए मुकदमा सुनने लगे। इससे क्या हुई, भारत में बहुत जबरदस्त एकता हो गई INA सैनिकों के समर्थन में, और पूरे देश में नारा लगने लगा लाल किले को तोड़ दो और आजाद हिंद फौज के सैनिकों को छोड़ दो, आजाद हिंद फौज के 1 सैनिक के बदले 100 अंग्रेजी कुत्तों की मौत।
ऐसे पेपर बांटे जाते थे, ऐसे पंपलेट दीवारों पे लगाए जाते थे। बहुत डिटेल में राष्ट्रीय आंदोलन के अपने लेक्चर में मैंने इसे कवर किया है। अगला, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना वारेन हेस्टिंग के काल में हुई थी और उसने सर विलियम जोन्स के पक्ष में उक्त विद्वत संस्था की अध्यक्षता का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया था। सही है, वारेन हेस्टिंग स्वयं एक उभट विद्वान तथा प्राच्य विद्या का प्रखर समर्थक था जो संस्कृत फारसी और अरबी के अध्ययन को प्रोत्साहित करता था। यह भी सही है। तो ए और आर दोनों सही हैं और आर कथन ए की सही व्याख्या है, तो बिल्कुल है। तो इस प्रकार से 2012 से लेकर 2019 तक 8 वर्षों के दौरान यूपीपीसीएस प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में मॉडर्न हिस्ट्री से जो प्रश्न पूछे गए थे उसे हमने देखा। तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मेरा ये प्रयास आपको कैसा लगा और इसी तरह के लेक्चर हम पॉलिटी के लिए भी, मेडिवल हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री के लिए भी लेकर के आएंगे। तो मिलता हूँ अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।